नमस्कार दोस्तों, आपके मन में कई बार प्रश्न आता होगा कि जो मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ वो सस्ता खरीद रहा हूँ या महंगा खरीद रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट्स को भी आपने कई बार कहते सुना होगा कि स्टॉक जब सस्ता हो यानी कि अंडर वैल्यूड हो तब स्टॉक को बाय करें, ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? डोंट वरी, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड को समझाने वाला हूं कि कैसे आप पता कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक, जिसे हम स्टॉक मार्केट की बाइबल भी कह सकते हैं, उसमें से लिया गया है और इस बुक को लिखा था बेंजामिन ग्राहम जी ने। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस फॉर्मूले को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। इंट्रेंसिक वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला ई ब्रैकेट में 8.5 प्लस 2G इंटू 4.4 अपॉन वाई। इसमें ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर, उसके बाद जी का मतलब है ग्रोथ, ये हम 5 साल की भी ले सकते हैं और 10 साल की भी ले सकते हैं, और वाई का मतलब है एवरेज ट्रिपल ए कॉरपोरेट बॉन्ड यील्ड। ये जो पहली दो टर्म्स है अर्निंग पर शेयर और ग्रोथ 5 ईयर, ये हम screener.in की मदद से ले रहे हैं। और यहाँ पर हम एक्सिस बैंक की एग्जाम्पल लेने वाले हैं। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं इनका ईपी है 41.2, और अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो आप ग्रोथ देख सकते हैं 9.33% की है। ये हम 5 साल की कंसीडर कर रहे हैं, आप 10 साल की भी कर सकते हैं लेकिन हम 5 साल की यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। और उसके बाद है वाई, आप गूगल पर सर्च करिएगा ट्रिपल ए कॉरपोरेट बॉन्ड यील्ड 10 ईयर, तो आपको मिल जाएगा 6.8% है। और यहां पर आप फॉर्मूले के साथ ये सब चीजें फिल कर देंगे तो आपका आंसर जो निकल कर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 724, और करंट प्राइस जो भी चल रहा है वो है 715, यानी कि ये स्टॉक अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से अभी कम दाम में आपको मिल रहा है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये। तो इस तरह आप किसी भी स्टॉक की इंट्रेंसिक वैल्यू को जान सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसी फॉर्मूले के आधार पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इन्वेस्टर बन गए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो आपको किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते समय देखने होते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते समय हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इस वीडियो के बाद उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।